इस लेक्चर में हम पैराबोलिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। कंसीडर द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू के स्क्वायर के पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इन 0 टू एक्स वेरिएशन 0 टू एल subject to the boundary conditions u0t is equal to 0 is equal to u of lt and the initial condition ux0 is equal to f of x और x की जो हमारे पास variation है वो 0 से लेके l तक है where f belongs to c1 is a prescribed function यानी जहाँ पे ये जो f of x है एक तो ये C1 क्लास से बिलोंग कर रहा है। C1 क्लास का मतलब क्या हुआ कि इसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस हैं और ये प्रेस्क्राइब्ड कोई भी हमारे पास को डिस्क्राइब किया हुआ कोई भी फंक्शन हो सकता है इस प्रॉब्लम में। इन फिजिकल टर्म्स दिस प्रॉब्लम रिप्रेजेंट्स द हीट कंडक्शन इन अ रॉड यानी फिजिकली ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है हीट कंडक्शन को किस में एक रॉड में जिसकी लेंथ एल व्हेन इट्स एंड्स आर मेंटेन्ड एट जीरो टेम्परेचर यानी जब उसके जो दोनों एक रॉड है एल लेंथ का जिसमें हीट कंडक्ट हो रही है यानी हीट फ्लो कर रही है और जिसके दोनों जो एंड्स हैं वो मेंटेन किए गए हैं जीरो टेम्परेचर पे क्योंकि आप देखें u ऑफ जीरो टी भी जीरो है और u ऑफ एल टी भी जीरो है यानी फिजिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रॉड में हीट कंडक्शन है लेकिन उसके जो दोनों एंड्स हैं लेंथ एल का रॉड है और उसके जो दोनों एंड्स हैं वो जीरो टेम्परेचर पे मेंटेन किए गए हैं ये इक्वेशन हमें बता रही है जीरो टेम्परेचर का। व्हाइल द इनिशियल टेम्परेचर यू एट एनी पॉइंट ऑफ द रॉड इज प्रेस्क्राइब्ड एज एफ ऑफ एक्स जबकि इनिशियल टेम्परेचर टी जीरो पे किसी भी पॉइंट पे जो इनिशियल टेम्परेचर है वो ये फंक्शन बता रहा होगा यानी एक्स की वैल्यू जीरो से एल तक जो भी हम टेम्परेचर किसी इनिशियल टाइम में जब हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियली जब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो जब हम किसी भी जीरो और एल के दरमियान जीरो और एल का तो हमें पता है कि टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है जीरो और लेकिन इसके दरमियान जीरो और एल के दरमियान जब एक्स वेरी करेगा तो फिर हमारे पास वो जो है हमारे पास जो टेम्परेचर है वो ये फंक्शन बता रहा होगा एफ ऑफ एक्स। लेट अस अज्यूम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले करते रहे हैं कि सॉल्यूशन इस फॉर्म में हम सपोज करेंगे यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी क्योंकि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और टी तो इसलिए हम जो इसका सॉल्यूशन है वो एक्स और टी की फॉर्म में सपोज करेंगे। अब पार्शियल यू बा पार्शियल टी किसके इक्वल आएगा एक्स टी प्राइम के और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल आएगा एक्स डबल प्राइम टी के। 5.25 इम्प्लाइज दैट जब हम ये 5.25 में ये दोनों चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स टी प्राइम इज इक्वल टू के एक्स डबल प्राइम टी और k को इधर डिवाइड करें तो 1 ओवर k t प्राइम ओवर t t भी इधर डिवाइड हो जाएगा और x इधर आके डिवाइड हो जाएगा x डबल प्राइम ओवर x और बिल्कुल वही लॉजिक जो हमने इससे पहले यूज़ की है कि क्या जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप देखें ये लेफ्ट साइड पे इस t सॉल्यूशन आएगा और राइट साइड पे x सॉल्यूशन आएगा और ये इनइक्वालिटी हमें बता रही है कि t की हर वैल्यू के लिए और x की हर वैल्यू के लिए ये दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे तो वो दोनों फंक्शंस तभी इक्वल हो सकते हैं जब कोई कांस्टेंट हो फंक्शन जब कोई कांस्टेंट हो तो इसीलिए हमने इन दोनों को एक कांस्टेंट c के इक्वल रख दिया है।
अब जब ये भी सी के इक्वल है और ये एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स भी सी के इक्वल है, तो हमने पहले इसको लिखा टी प्राइम ओवर टी वन ओवर के, इसको सी के इक्वल रखा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई टी प्राइम माइनस के सी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और फिर सेकंड, जब एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स इक्वल टू सी, जब इसको सी के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्स डबल प्राइम माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने 5.29 इक्वेशन का नाम दे दिया और इस इक्वेशन को हमने 5.30 का नाम दे दिया। अब बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, यू ज़ीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यू एल ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ गया एक्स ऑफ ज़ीरो टी ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इधर क्या आ गया एक्स ऑफ एल टी ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स ऑफ एल। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई हैं, यानी ज़ीरो एक्स ज़ीरो ज़ीरो है, ज़ीरो पे एक्स ज़ीरो ज़ीरो है और एल पे भी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। 5.30 इम्प्लाइज दैट, अब ये जो 5.30 एक्स डबल प्राइम माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हमने लास्ट एग्जांपल में कैलकुलेट किया हुआ है, ये किसके इक्वल आएगा, डी वन ई की पावर सी का स्क्वेयर रूट एक्स प्लस डी टू ई पावर माइनस सी का स्क्वेयर रूट एक्स। और अगर सी ज़ीरो हो जाए यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक दफ़ा जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी वन आ जाएगा, जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो डी वन एक्स प्लस डी टू आ जाएगा। इसी तरह सी अगर नेगेटिव हो तो माइनस सी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी उसके लिए फिर ये उसका सोल्यूशन आ जाएगा डी वन कॉज ऑफ माइनस सी का स्क्वेयर रूट एक्स प्लस डी टू साइन ऑफ माइनस सी का स्क्वेयर रूट एक्स। और ये जो सोल्यूशन है लास्ट एग्जांपल में भी हमने देखा था कि सी पॉजिटिव अगर ले लें, ये वाला केस ले लें, तब भी इसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सी ज़ीरो ले लें तो तब भी हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। इसलिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इस सी को नेगेटिव ले लेंगे, सी का जब नेगेटिव लेंगे तो एक्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी वन कॉज ऑफ माइनस सी का स्क्वेयर रूट एक्स प्लस डी टू साइन ऑफ माइनस सी का स्क्वेयर रूट एक्स। तो सपोज हम क्योंकि सी नेगेटिव है तो सी सपोज कर लेते हैं कि माइनस लैम्डा स्क्वेयर है, और माइनस सी फिर किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा स्क्वेयर के, और माइनस सी का स्क्वेयर रूट लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। अब माइनस सी का स्क्वेयर रूट यहाँ पे है, यहाँ पे भी लैम्डा पुट कर देंगे, यहाँ पे लैम्डा पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स ऑफ एक्स डी वन कॉज लैम्डा एक्स प्लस डी टू साइन लैम्डा एक्स। अब जब इसमें बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू डी वन, और एक्स ऑफ ज़ीरो हमें पता है ज़ीरो के इक्वल है, तो डी वन ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब जब दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे एक्स ऑफ एल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आप देखें, जब दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे एक्स ऑफ एल, तो एक्स ऑफ एल किसके इक्वल आ जाएगा, डी वन तो वैसे ज़ीरो हो गया, तो डी टू साइन लैम्डा एल, और नॉन ट्रिवियल एक्स ऑफ एल भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि डी टू साइन लैम्डा एल ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डी टू को नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि डी वन पहले ही ज़ीरो हो चुका है, तो जब डी टू नॉन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि साइन लैम्डा एल ज़ीरो होगा। तो साइन की वैल्यू किस पे ज़ीरो होती है, एन पाई पे, तो लैम्डा एल इज इक्वल टू एन पाई लिख दिया, और लैम्डा किसके इक्वल आ गया, एन पाई ओवर एल के। और सी हमने सपोज किया हुआ था माइनस लैम्डा स्क्वेयर, तो सी किसके इक्वल आ गया, माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया एक्स एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टू ऑफ एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल, एक्स एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टू ऑफ एन को इस तरह लिख सकते हैं ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। अब ये हमारे पास आ गया 5.30 का सॉल्यूशन।
अब जो हमारे पास 5.29 थी, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसका अब सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। सी की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी टी प्राइम प्लस के एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर इंटू टी, क्योंकि सी की वैल्यू ये आ रही है। जब ये पुट करेंगे उसको जब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो इसको अगर सॉल्व करें, बेशक सेपरेबल फॉर्म में सॉल्व करें या वैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके जैसे भी सॉल्व करें, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो टी ऑफ एन टी इज इक्वल टू बी एन ई पावर माइनस के एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर टी ओवर एल स्क्वेयर, ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो अब हम सीरीज सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज अब सपोज करेंगे। ये मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो जितने भी एन सॉल्यूशन है, हो सकता है कि उसमें से कोई सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। फिर हम क्या करते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास सम ऑफ सॉल्यूशंस है, लीनियर कम्बिनेशन है, वो भी एक सॉल्यूशन है। तो उससे भी अगर काम ना बने तो हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हम सपोज कर लेते हैं। तो समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन एन ऑफ एक्स की वैल्यू ले ली और बी एन ई पावर माइनस के एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर और एल स्क्वेयर इंटू टी की वैल्यू ले ली। अब इस ए एन और बी एन को कम्बाइन करके हमने एक नया कॉन्स्टेंट सी एन दे दिया। तो ये हमारे पास आ गया यू एन एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल ई पावर माइनस के एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर इंटू टी। ये अब हमारे पास ये सी एन एक अननोन है। अगर हम सी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा जी। यूजिंग द इनिशियल कंडीशन यू एन एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और यू एन एक्स जीरो में पुट करें तो ये आ जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन एन पाई एक्स ओवर एल एफ ऑफ एक्स और इसकी जब अनदर टर्म ले सी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल एफ ऑफ एक्स तो वो हमारे पास और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे माइनस एल टू एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल और साइन एम पाई एक्स ओवर एल डी एक्स और ये आ जाएगा माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एम पाई एक्स ओवर एल और ये लेफ्ट साइड पे हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर एम और एन इक्वल हो जाए तो माइनस एल इंटू एन इसका जो डेरिव इंटीग्रल है साइन एन पाई एक्स ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स ये एल के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा रिजल्ट एल के इक्वल आ गया। तो ये लिख दिया जी सी एन इज इक्वल वन ओवर एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स और जब इसको यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये लिखेंगे जीरो टू एल, क्योंकि जब इसको हम जीरो टू एल करेंगे तो ये आ जाएगा टू ओवर एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। तो जब जीरो टू एल टू ओवर एल आ जाएगा। इस तरह हमने कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू ये कैलकुलेट कर ली तो फिर हमारे पास ये सोल्यूशन हमारे पास आ गया यू एन एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल ई पावर माइनस के एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर इंटू टी। अब आगे देखें जी, एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन अराइजेज इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज जीरो इन द इनिशियल कंडीशन 5.27। ये हमने 5.27 कंडीशन जो ली थी कि अगर ये एफ ऑफ एक्स जीरो इसमें हो जाए, इनिशियल कंडीशन भी यानी जीरो हो जाए, कोई फंक्शन ना आ रहा हो, तो फिर बट द बाउंड्री कंडीशन आर नॉन होमोजीनियस। बाउंड्री कंडीशन नॉन होमोजीनियस हूँ लेकिन हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो ज़ीरो आ जाए। अब देखें यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये जो हमने इक्वेशन ये सारी हमने जो प्रूव की है, इसमें देखें तो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या हैं, वो होमोजीनियस हैं, ज़ीरो हैं, लेकिन जो इनिशियल कंडीशन है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। अब वो कहना है कि अगर इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये बन जाए कि ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये नॉन ज़ीरो हो जाए,
और हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है ये ज़ीरो हो जाए, तो फिर देखें कि कैसे वो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कंसिडर द डायमेंशन लेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द प्लेन वॉल ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। सपोज हमने एक डायमेंशन लेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके तो सारी जितनी भी क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशन हम ख़त्म कर देते हैं, कि ये टाइम की डिस्टेंस की जितनी भी डायमेंशन है वो सारी ख़त्म हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर गए। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जी, यू टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स, और एक्स वेरी कर रहा है जीरो से वन विद द बाउंड्री कंडीशन यू जीरो टी इज इक्वल टू वन, यू वन ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो एंड द इनिशियल कंडीशन यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास प्रॉब्लम है जी, जिसकी बाउंड्री कंडीशन ये है और इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये ज़ीरो आ गई। सिंस द होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन 5.37, देखें जी यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो डज नॉट अलाउ अस कंप्यूट द फोरियर कोफिशिएंट्स, क्योंकि ये हमारे पास अलाउ नहीं करेगा फोरियर कोफिशिएंट्स को कंप्यूट करने में, क्योंकि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स इन्वॉल्व है, जब ये एफ ऑफ एक्स जीरो आ रहा है तो ये फोरियर कोफिशिएंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एज इन 5.34, जिस तरह हमने ये 5.34 में कैलकुलेट किया कोई एफ ऑफ एक्स लिख के, क्योंकि इधर तो एफ ऑफ एक्स ही जीरो आ रहा है। द स्टैंडर्ड टेक्निक यूज्ड इन द अबव एग्जांपल इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि जब फोरियर ये कोफिशिएंट हम नहीं फाइंड कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि वो जो हमने स्टैंडर्ड टेक्निक इससे पहले यूज़ की है वो इस प्रॉब्लम में हम यूज़ नहीं कर सकते, इस प्रॉब्लम में कोई और टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। इंस्टेड वी प्रोसीड एज फॉलो, फर्स्ट फाइंड अ पार्शियल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी पहले हम क्या करेंगे कि उसका पार्शियल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, कोई एक सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे किसी एक वेरिएबल के लिए। ऑल्दो देयर इज मोर देन वन वे टू डिटरमिन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी ये जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है या पार्शियल सॉल्यूशन है ये बहुत सारे तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द स्टेडी स्टेट केस, स्टेडी स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें यानी इनफाइनाइट टाइम के बाद उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। जब उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती तो फिर रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टी ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा तो हम ये लिख देंगे यू टिल्डा, सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है यू टिल्डा एक्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जब इसको इंटीग्रेट करें दो दफ़ा तो ये आ जाएगा यू टिल्डा एक्स इक्वल टू सी वन ऑफ एक्स प्लस सी टू विद द बाउंड्री कंडीशन यू टिल्डा ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास u tilde 0 is equal to 1 और u tilde 1 is equal to 0। हमने वो ही कंडीशन लगाई है u tilde 0 जो हमारे पास वो जो बाउंड्री कंडीशंस ये हमारे पास आ रही हैं u 0 t is equal to 1 और u 1 of t is equal to 0, ये जब बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो c 1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 और c 2 की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह हमने स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन फाइंड कर लिया u tilde x equal to 1 माइनस एक्स। आगे है जी, आगे नो फार्मूलेट होमोजीनियस प्रॉब्लम बाय राइटिंग यू ऑफ एक्स टी एज द सम ऑफ द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन एंड अ ट्रांजिएंट टर्म। ये हमने ट्रांजिएंट टर्म एक इंक्लूड कर लिया है। ट्रांजिएंट टर्म कौन सी होती है, यानी इनफाइनाइट टाइम जब टी इन्फिनिटी ले लें तो ये जीरो को अप्रोच कर जाती है, यानी टी, क्योंकि जब हम देखें हमने जब लिया है ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन लिया है तो टी इन्फिनिटी में इसको क्या उन्होंने ये ज़ीरो को फिर वो टी इन्फिनिटी टाइम जब वो कांस्टेंट हो जाएगा तो उसमें हमारे पास वो जो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ये जो ट्रांजिएंट टर्म है ये टी इन्फिनिटी को जब अप्रोच करेगी तो ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। अब वी ऑफ एक्स टी की जहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर ली वो किसके इक्वल आ गई यू ऑफ एक्स टी माइनस यू टिल्डा एक्स। अब यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू यू टिल्डा एक्स प्लस वी ऑफ एक्स टी,
और वी एफ एक्स टी इस तरह कैलकुलेट कर लिया, यू एफ एक्स टी माइनस यू टिल्डा एक्स, जब डेरिवेटिव लें विद रेस्पेक्ट टू टी तो पार्शियल वी पर पार्शियल टी किसके इक्वल आ गया, पार्शियल यू पर पार्शियल टी के, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है ये तो ज़ीरो हो गया। और जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल स्केयर यू पर पार्शियल एक्स स्केयर माइनस पार्शियल स्केयर यू पर पार्शियल एक्स स्केयर, और ये यू टिल्डा एक्स एक्स ये पहले ही हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो इस तरह हमारे पास पार्शियल स्केयर वी व पार्शियल एक्स स्केयर आ गया, पार्शियल स्केयर यू व पार्शियल एक्स स्केयर, तो यू टी फिर किसके इक्वल आ गया, यू एक्स एक्स के। इसी तरह क्योंकि हमारे पास अब देखें यू टी जब यू एक्स एक्स के इक्वल है तो फिर इसी तरह फिर वी टी किसके इक्वल आ जाएगा, वी एक्स एक्स के। बाई बाउंड्री कंडीशन आर, अब वी इस इक्वेशन के लिए ये जो हमारे पास बाउंड्री है वी टी इज इक्वल टू वी एफ एक्स एक्स, इसके लिए बाउंड्री कंडीशन हम क्या फाइंड करेंगे, वी एफ एक्स टी इज इक्वल टू यू एफ एक्स टी माइनस यू टिल्डा एक्स। अब एक्स की जगह पे जब जीरो पुट करेंगे वी एफ जीरो टी इज इक्वल टू यू एफ जीरो टी माइनस यू टिल्डा जीरो, और यू एफ जीरो टी हमने देखा ये वन के इक्वल है और माइनस यू टिल्डा ज़ीरो ये भी वन है, तो वी ऑफ ज़ीरो टी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। और वी ऑफ वन टी जब कैलकुलेट करेंगे तो यू ऑफ वन टी माइनस यू टिल्डा वन ज़ीरो माइनस ज़ीरो, और वी वन टी भी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, वी एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू यू एफ एक्स जीरो माइनस यू टिल्डा एक्स, और यू टिल्डा एक्स हमने कैलकुलेट किया वन माइनस एक्स, तो वी एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वन के इक्वल आ गया। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम बन गया, वी की फॉर्म में ये प्रॉब्लम बन जाएगा, वी टी इज इक्वल टू वी एक्स एक्स, और इसकी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन ये आ जाएंगी और हमारे पास इनिशियल कंडीशन ये आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो प्रॉब्लम वी पे बन रहा है ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम बन गया जो हम पहले स्टैंडर्ड वे से कैलकुलेट करते आए हैं, जिसमें हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो कोई फंक्शन दे रहा होता है। By comparing example 5.2, ये जो हमने 5.2 example की है इससे अगर इसको compare करें, इसको ये जो हमने लिखा यू टी इज इक्वल टू के यू एक्स एक्स, यू जीरो टी इज इक्वल टू जीरो, यू एफ एल टी इज इक्वल टू जीरो, यू एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, जब इससे कंपेयर करते हैं इस equation को तो k देखें, k की value यहाँ पे क्या है, 1 के equal है। उसके बाद l जो है वो किसके equal आ गया, यहाँ पे 1 के equal आ गया, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स माइनस वन के इक्वल आ गया, तो ये लिखा हुआ है जी। तो ये हमने 5.2 का, ये जो 5.2 हमने सॉल्व की थी तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया था वो ये कैलकुलेट किया था, यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल ई पावर माइनस के एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर टी ओवर एल स्क्वेयर, और यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और एल की वैल्यू भी यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन साइन एन पाई एक्स ई पावर माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर टी, और यहाँ पे सी एन अननोन है जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसी तरह माइनस 1 टू एन सी एन साइन एन पाई एक्स साइन एम पाई एक्स डी एक्स, इसको माइनस वन टू वन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एन को एम के इक्वल जब रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगी वैल्यू वन, और इधर क्या आ जाएगा सी एन इज इक्वल टू टू टाइम जीरो टू वन एक्स माइनस वन साइन एम पाई एक्स डी एक्स। जब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे जीरो टू वन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस टू ओवर एन पाई, ये सी एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये सी एन की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि ये वी एफ एक्स टी कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इसका। अब वी एफ एक्स टी किसके इक्वल आगे, नहीं माइनस टू ओवर पाई समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन ई पावर माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर टी साइन एन पाई एक्स।
वी एफ एक्स टी हमने कैलकुलेट कर लिया है, यू टिल्डा एक्स टी पहले ही कैलकुलेट यू टिल्डा एक्स सॉरी पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास यू एफ एक्स टी आ रहा है। तो फिर हम लिख देंगे एंड द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज यू एफ एक्स टी इज इक्वल टू यू टिल्डा एक्स प्लस वी एफ एक्स टी यू एफ एक्स। अब यू एफ एक्स टी किसके इक्वल आएगा, यू टिल्डा एक्स हमने जो कैलकुलेट किया है वो किसके इक्वल है, वन माइनस एक्स के। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये यू टिल्डा एक्स हमने कैलकुलेट किया जी वन माइनस एक्स, तो दूसरा उसके साथ क्या है वी एफ एक्स टी, और वी एफ एक्स टी हमने ये कैलकुलेट किया है माइनस टू ओवर पाई समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन ई पावर माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर टी साइन एन पाई एक्स। और इस ये हम वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास ये यू एफ एक्स टी सोल्यूशन आ जाएगा, किसका, जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमने कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ तक हमने क्या किया जी कि ये इस एग्जांपल में हमने ये केस कंसिडर किया है कि अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन कोई फंक्शन की बजाय ज़ीरो आ रही हूँ तो फिर हम उसको उस यूजुअल वे से कैलकुलेट नहीं कर सकते जिस तरह हम पहले स्टैंडर्ड टेक्निक अप्लाई करते रहे हैं, बल्कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले हमने इसका कोई भी पार्टिकुलर या स्पेशल एक पार्शियल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। पार्शियल सॉल्यूशन सिंप्लीफाई किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पार्शियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम कोई एक वेरिएबल लेंगे, तो हमने सपोज स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन ले ली कंडीशन। स्टेडी स्टेट का कंडीशन का मतलब ये है कि हमने स्टेडी स्टेट कंडीशन यानी जिसमें इनफाइनाइट टाइम के बाद कोई चेंज नहीं आती, जब कोई चेंज नहीं आती टाइम के लिहाज से तो फिर हम पार्शियल यू पार्शियल टी उसमें ज़ीरो पुट कर देंगे। तो यू टिल्डा एक्स एक्स ज़ीरो के इक्वल लिखा हमने, पहले उसका वो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, फिर उससे आगे हमने एक ट्रांजिएंट टर्म साथ इन्वॉल्व कर ली। ट्रांजिएंट टर्म का मतलब ये है कि इनफाइनाइट टर्म के टी अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो ये टर्म ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो इस तरह हमने एक सॉल्यूशन ले लिया था ये इस फॉर्म में, ये जी एक ट्रांजिएंट टर्म ले ली और ये हमारे पास वो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन आ गया। इन दोनों को लेके फिर हमने प्रोसीड किया और वी की फॉर्म में इक्वेशन बनाई और वी की फॉर्म में फिर वही प्रॉब्लम बन गया था जो हम पहले सॉल्व करते रहे हैं, यानी उसमें जो इनिशियल कंडीशन है वो वी एफ एक्स ज़ीरो वो हमारे पास एफ एफ एक्स की फॉर्म में ही आ गई थी। अब इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करेंगे इसी तरह यूजुअल वे से जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जब हम यू एफ एक्स टी में ये दोनों चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास ये ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा ये जो हमने कैलकुलेट किया है।